सलमान खान की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। साल 1998 में काले हिरन शिकार के मामले में जमानत तो मिल गई थी, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकियां लगातार उनका पीछा कर रही है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद तो जैसे सलमान खान की मुश्किलें और बढ़ गई है। अब उनकी सुरक्षा पर और भी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इन दिनों सलमान खान बेहद सतर्क है। बिग बॉस 18 और अपनी नई फिल्म की शूटिंग के दौरान उनके आस पास 60 से भी ज्यादा सुरक्षा वाले लोग हैं। लॉरेंस बिश्नोई की धमकियों के बाद ये सुरक्षा और बढ़ गई है। सलीम खान ने भी इस मामले पर अपनी चिंता जताई है। इस बीच सलमान का 17 साल पुराना एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो काले हिरन शिकार के बारे में बात कर रहे हैं। सलमान खान के काले हिरन शिकार के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। कुछ दिन पहले सलीम खान ने कहा था कि सलमान बेकसूर है। अब सलमान का एक पुराना इंटरव्यू सामने आया है, जिसमें वो इसी बात को दोहरा रहे हैं। ये मामला अब और भी उलझ गया है। इस इंटरव्यू में एंकर ने जब दबंग खान से कहा कि उन्हें नहीं लगता कि सलमान खान ने काले हिरन को गोली मारी है, एंकर की इस बात का जवाब देते हुए सलमान खान ने कहा है, यह एक लंबी स्टोरी है, लेकिन मैं वहां नहीं था जिसने गोली मारी। इसके बाद जब सलमान खान से ये पूछा गया कि उन्होंने किसी और का नाम क्यों नहीं लिया और पूरा ब्लेम अपने ऊपर क्यों लिया, तो सलमान खान ने कहा, अब इसका कोई मतलब नहीं है। सलमान खान का 17 साल पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। लोग इस वीडियो पर तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, अगर ये मामला आज होता तो शायद सब कुछ बदल गया होता। दूसरे यूजर ने सवाल किया, अगर सलमान खान ने नहीं मारा तो फिर ये सारा खेल क्यों? अगर किसी और ने किया था तो वो खुद क्यों दोष ले रहे थे? ये मामला उस वक्त का है जब सलमान खान, सोनाली बेंद्रे और बाकी स्टार कास्ट फिल्म हम साथ साथ की शूटिंग कर रहे थे। ऐसी न्यूज से अपडेट रहने के लिए वाहियात टॉक को सब्सक्राइब करें।